तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, धरती की जाति का लाल। ट्रिपल आर के बाद कौन सी मूवी मिली है एनटीआर और आलिया को? एनटीआर 30 क्यों है खास? आलिया को कैसे चुना गया एनटीआर की 30th फिल्म के लिए? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर जूनियर एनटीआर ने कोरतला शिवा के निर्देशन में बनने जा रही फिल्म पर काम शुरू कर दिया है। बता दें दोस्तों कि कोरतला शिवा की ये फिल्म एक्शन से भरपूर इमोशनल थ्रिलर होगी। फिल्म निर्माता जूनियर एनटीआर की लोकप्रियता और उनकी लगन को देखते हुए फिल्म को जल्द से जल्द पूरी करने की प्लानिंग में है। यही नहीं दोस्तों, मेकर्स काफी दिनों से फिल्म की फीमेल लीड की कास्टिंग को लेकर काफी चिंतित थे। हालांकि उनकी तलाश बॉलीवुड इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर जाकर खत्म हुई है। दोस्तों आलिया भट्ट एनटीआर 30 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कोरतला शिवा और जूनियर एनटीआर के साथ बातचीत कर रही हैं। आलिया ने इस बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है और दोस्तों फिल्म से जुड़े सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि निर्माताओं ने आलिया भट्ट के अलावा फिल्म के कई एक्ट्रेसेस से बात की, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट मेकर्स की पहली पसंद बनती दिखाई दे रही है। बता दें कि एनटीआर 30 को आधिकारिक तौर पर पूजा समारोह के साथ अक्टूबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा और फिल्म की शूटिंग नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। साथ ही निर्देशक कोरतला शिवा का इरादा फिल्म को अगले साल की शुरुआत में पूरा करने का है और दोस्तों वो चाहते हैं कि फिल्म 2022 में ही रिलीज कर दी जाए। साथ ही फिल्म के शानदार सब्जेक्ट को देखने के बाद जूनियर एनटीआर और आलिया भट्ट ने फिल्म के लिए हाँ कहा है और दोस्तों प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ एनटीआर और आलिया भट्ट की जोड़ी SS राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर में भी नजर आने वाली है, जिसमें एनटीआर आलिया के ऑपोजिट नजर आने वाली है। दोस्तों बता दूं कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें कई सारे गानों को भी शूट किया गया है और इतना ही नहीं, आलिया के छोटे रोल की भरपाई करते हुए फिल्म में एक गाना सिर्फ आलिया पर ही फिल्माया जाने वाला है, जिस पर 6 करोड़ रुपए के खर्चा हुआ है। अब बता दें दोस्तों कि ट्रिपल आर में आलिया की परफॉर्मेंस को देखते हुए ही आलिया को उनकी दूसरी फिल्म भी एनटीआर के साथ ही मिली है। एनटीआर 30 फिल्म इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि ये फिल्म में एनटीआर की लाइफ की 30th फिल्म होगी और इस 30th फिल्म में आलिया का साथ फिल्म की हाइप को और बढ़ा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फिल्म में इनकी ऐसी क्या परफॉर्मेंस थी जिससे इन दोनों को दूसरी मूवी मिली और वो भी एक साथ? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा जैन।